और ये भी सारी दुनिया जानती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ही इस अटल टनल को प्रारंभ करवाया था। और ये अटल टनल का काम 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्तासीन होने के बाद ही प्रारंभ हुआ। इसमें अब कहीं बीच में कोई आकर के जो है वो भूमि पूजन कर ले या कुछ और कर ले तो उससे जो है वो श्रेय नहीं मिल जाता है काम का। जो काम माननीय वीरभद्र सिंह जी ने किए हैं उनका श्रेय उनको मिलेगा। जिस काम में पैसा केंद्र सरकार ने दिया, प्रधानमंत्री ने दिया, प्रधानमंत्री ने एक्सपीडाइट करवाया, ये वरना शायद अभी भी ना बनती है। अगर नरेंद्र मोदी जी ना होते तो उससे पहले यूपीए की सरकार में तो इसमें जो है वो एक पत्थर नहीं हिलाया गया। तो श्रेय तो उसको मिलेगा जिसने काम कराया, जिसने पैसा दिया है और इस पर जो है वो अल्टीमेटली जो है उद्घाटन हुआ है और ये काम में आई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अननेसेसरी क्लेम करना बिना किसी काम के, ये प्रदेश अध्यक्ष श्री के व्यक्ति को जो है वो उचित नहीं लगता है। वो तो उस क्षेत्र की सांसद भी हैं, उन्हें मालूम है कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या कंट्रीब्यूशन रही है। तो जिस काम का कंट्रीब्यूट जो करेगा उसको उस बात का श्रेय मिलेगा। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशंस ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775, 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।